हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम विनय पांडे। स्टूडेंट्स, इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इन द लास्ट थ्री वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, हाउ कैन वी एक्सपैंड एनी डिटर्मिनेंट यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये सारी चीज़ें हम पहले के वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो फोकस रहेगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ टू एक्सपेंड एनी डिटर्मिनेंट। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि आप किसी डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन आपको बिना एक्सपेंशन का यूज़ किए हुए इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा किसी भी बोर्ड में पक्का पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लें एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज प्रॉपर्टीज़। जो जो मैं प्रॉपर्टीज़ आपको ये लिखा रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। तो उस लिखने के साथ साथ इनको समझें भी और इनको याद भी करें, क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी इससे। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ़ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, ये सपोज एक डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 6 कितना आ जाएगा, -2। अब मैं इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 1, 2, ये रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 4 - 6, फिर से कितना आ गया, -2। तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट में अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, चाहे वो डिटर्मिनेंट कितने भी ऑर्डर का हो, आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, उस वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है और नोट भी इसको आप करते रहें। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं आप हटा दे रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। क्या लिखा है मैंने, अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय -1। क्या मतलब है इसका, इस प्रॉपर्टी को पहली प्रॉपर्टी से रिलेट करें आप। पहली प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, हमने वहाँ रो को कॉलम से इंटरचेंज किया था। यहाँ पे अगर आप कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करें या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, वो वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू है और जो नई वैल्यू आएगी, उन दोनों में -1 के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4, 4 - 6 - 2 आया था। इसकी रोज को इंटरचेंज अगर हम कर लें, तो फर्स्ट रो हो जाएगी 3, 4, सेकंड रो हो गई 1, 2। अब देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैंने रोज को इंटरचेंज किया होगा, तो हो जाएगा 6 - ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे कितना आ गया, 2। आप देखिए दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उसमें साइन का डिफरेंस आ रहा है, प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान रखना, दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंस समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, वी हैव इंटरचेंज वन रो बाय द करस्पॉन्डिंग कॉलम, ईच रो बाय द करस्पॉन्डिंग कॉलम, बट इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव इंटरचेंज्ड एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। तो ये डिफरेंस है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज में। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट
एस जीरो। इसमें क्या है, जैसे मैं 2x2 के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा यहाँ पे आसान हो जाएगा। आप 3x3 में इसको चेक कर सकते हैं, जैसे 1 2 1 2। इसमें देखो आप C1 और C2 दोनों जो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 -2 यानी कि 0। और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 हो जाए और ये 3 4 5 कुछ और हो जाए, तो ये जिस पैटर्न में ये R1 चल रहा है उसी पैटर्न में R2 भी चल रहा है। अगर इस तरीके का पैटर्न चल जाए तो उस केस में आपको डिटरमिनेंट सॉल्व ही नहीं करना है, सीधे उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस तरीके से हो जाए 1 2 3 -1 5 6 और 1 2 3, अभी भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि C1 और C3 आइडेंटिकल है। अब 1 1 1 2 2 2, इसमें क्या होगा, और 1 1 1, इसमें भी देखिए आप, इसमें R1 और R3 ये आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, रोज़ को कोई भी दो रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में -1 आ जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में देखते हैं कि उनकी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is multiplied by of a determinant is multiplied by a scalar then the value of the new determinant is equal to the value of the determinant is equal to same scalar times the value of the original determinant, the value of the original determinant. You have to write all these properties on your notebook. अगर आपके पास book है तो आप book से देख सकते हैं सारी property. Otherwise आप note down करें इनको. If the element of a row or column of a determinant is multiplied by a scalar, then the value of the determinant is equal to same scalar times द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपको दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट में अगर आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया, जैसे मैं अब इसको पूरा एक्सपेंड करके नहीं दिखा रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपने क्या किया इस डिटर्मिनेंट में, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को, R3 में सपोज 5, R3 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी डी ई एफ 5G 5H और 5I, इससे मल्टीप्लाई किया और इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली आपने, या फिर आपने पहले डिटर्मिनेंट निकाल दिया और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R3 में 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, या हमने डिटर्मिनेंट को, इस वाले डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कर लिया और उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी, दीज वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल। ये मैंने किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई किया है, आप कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि हम मैट्रिक्स में क्या करते थे, एक मल्टीप्लिकेशन करते थे तो पूरे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 आएगा बाहर से, अगर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 5 और आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसमें 1 5 और करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतनी बार वो 5 आता रहेगा, फिर
या फिर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू या ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से उसको, तो वो डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा। आप इन प्रॉपर्टीज़ को समझिए, किसी में भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो क्योंकि आगे हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको बड़े इजीली ये प्रॉपर्टीज समझ में आते रहेंगे। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं इस प्रॉपर्टी का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको ऐसे ही एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी न्यूमेरिकली आपको समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और यहाँ है DEFGHI। इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट में जो आपकी फर्स्ट रो है, उस फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो सब दो दो एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अभी, क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें हर एक एलिमेंट जो है R1 का, वो दो एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि आप इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और वो ब्रेक कैसे करना है, जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो आपने यहाँ लिख दिए A1, A2, A3, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3 यहाँ लिख दिया, और बाकी जो R2 और R3 है वो सेम आएगा एज इट इज दोनों में, DEFGHIGHI। आप चाहें तो किसी भी डिटर्मिनेंट इस तरीके का लेकर के उसको सॉल्व करके देखें, हम आपका आंसर सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी कि डिटर्मिनेंट अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो दो एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में है, तो उस डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जो डिटर्मिनेंट सम की फॉर्म में नहीं है उसको आप एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, और बाकी जो सम की फॉर्म में है उसमें पहले पहले एलिमेंट पहले डिटर्मिनेंट में और दूसरे दूसरे एलिमेंट्स दूसरे डिटर्मिनेंट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी, द डिटर्मिनेंट ऑफ, या मैं डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को भी आप अगर आपको बताऊं कि आपको दो मैट्रिसेस दी और उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया आपने, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका डिटर्मिनेंट निकाला। ध्यान से समझिए आप, AIJ, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट की बात करें तो जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, और B इज इक्वल टू BIJ, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया और उनका डिटर्मिनेंट हमने निकाला। और फिर हमने क्या किया, A का डिटर्मिनेंट पहले निकाल दिया, फिर B का डिटर्मिनेंट पहले फिर निकाला और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कि अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो या फिर डिटर्मिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की, और इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप याद करें और हर एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बना करके सॉल्व करें, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं जो मैंने इसमें छोड़ दी हैं, जैसे किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू भी जीरो आती है। तो ये कुछ कुछ जो मेन मेन प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको बता दी, इन प्रॉपर्टीज़ को याद करें, सॉल्व करें, जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा।